अरे मोर रामा बड़ा बढ़िया। अभी अभी आप लोग गाना सुने हैं, प्रसंग रहा रामायण का। वीरांतक बद्ध रावण के लड़का नारंतक, नारंतक का बेटवा वीरांतक, औरत का रूप बना के लव कुश बेलन है। तब जो मरी राम लक्ष्मण की खाके ती व्याकुल हुआ दशानन नैनन नीर गिराया। गद्दी के लिए विभीषण का ना कैलन, जब ना करे के चाहत रहल तवनो कह नौलन। एक प्रमाण और बा, व्याकुल हुआ दशानन नैनन नीर, बड़े बड़े दिग्गज वीर राम और लक्ष्मण के बाणों से मारे गए लंका की लड़ाई में। लंकाधीश लंकापति रावण चिंतित हैं कि लंका के जितने दिग्गज वीर रहे सभी के सभी मारे गए, अब कौन ऐसा वीर है जो कल राम से लड़ाई करेगा। जबकि ज्योतिषी महाराज का कहना है कि कल वाला दिन मेरा टल जाता है तो फिर मुझे दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हो सकता। राम को कौन कहे कोई नहीं मुझे मार सकता है दुनिया के अंदर। इसी चिंता में, इसी उहापोह में रावण महाराज पड़े हुए हैं। तब तक से हुआ क्या, सुख सारण तब पास आल के कहे बात बीरता की, चिंता छोड़ो अरे राजन अभी तरुण से न है बाकी। रावण के सलाहकार मंत्री का नाम सुख सारण आए के बतौले न केरे महाराज ते आप चिंता का किले हुआ, चिंता मत कराम। अब ही दरबार तरुणी से नेखे ऐसन वीर बाम नौजवान छोकरा जन की आराम से राम के साथ लड़ाई कर सकेला। रावण महाराज पूछते हैं कौन तरुणी से, बताता है मंत्री विभीषण का बेटा तरुणी से। कह ठीक है, पत्र लिख करके रावण महाराज भिजवा देते हैं विभीषण के पुत्र तरुणी सेन के पास। और जब तरुणी सेन पत्र पाया तो किया क्या, के पाती पाकर अब पाती पाकर दस कंधर की तरुणी सेन है आया। झुका दिया मस्तक चरणों में आशीर्वाद है पाया। वैसे सेन आता है, चरण स्पर्श करता है रावण महाराज का और कहता है पिताजी आप मुझे क्यों बुलवाए हैं। तब रावण तरुण सेन से कहला एक लाइन यहाँ गीत बाहो। आई गीत बाहन वो है के अरे कहे न आइला, अब कहे न आइला हो कहे न आइला हमार बलम रात कहे न आइला। यह गीत के लय में भावा रावण महाराज कलन तरुण सेन से का कहलन, के कुल के दिया नवा, अरे कुल के दिया नवा हो कुल के दिया नवा बुझाय जई है बेटा कुल के दिया नवा। कारण बा का कि बड़े बड़े वीर गए रण न मराई, बड़े बड़े वीर गए रण न मराई, असुबहे के राम जिस करी है लड़ाई। असुबहे के राम जिस करी है लड़ाई, असुबहे के राम जिस करी है लड़ाई।
बात है कि तू लड़े चल जा आराम से। तरुण सिंह कहें ठीक बा बाबू जी, आप यहाँ के राजा और आपके बात हम न मानी, गलती तो यहाँ पे कैला। बाबूजी बहुत समझौलन ना समझ लन उनकर बात, बाबूजी के दरबार से लात मार के निकाल देला। बहुत बहुत गलती कैला, लेकिन चूंकि कुल के रिश्ता के चलते एक खानदान का हम भी पुत्र हैं, तो हमार फर्ज होगा कि जब एक खानदान के सभय वीर राम से लड़ लड़ के मर गई, हम चलब राम के हाथे हमार मुक्ति बन जाई। वो ठीक हो, तरुण सेन तैयार हो गया, और जब तैयार हो गया तो हुआ क्या, निकल जाएगा गाड़ी निकल जाएगा, लड़ाई करे बदे जा। तैयार हो गया तरुण सेन, लेकिन जब तरुण सेन का भैया का खड़खड़ा, तो ठीक है पिताजी, यदि आपका विचार है कि मैं राम से लड़ने के लिए जाऊं तो मैं जाऊंगा जरूर। ऐसा तरुण सेन कह करके चल दिया, घर वापस आने लगा। जब घर वापस आने लगा तो रास्ते में ही अशोक वाटिका थी। सोचा कि जरा चलूं अपनी माँ से मुलाकात कर लूं। विभीषण के औरत का नाम रहल शर्मा, और शर्मा का ड्यूटी का रहल अशोक वाटिका में सीता जी के निगरानी में। गईले न तरुण सेन अपनी मतारी से मिलन है, चरण स्पर्श किलन है, बतौलन है कि माई हम जाते हैं राम से लड़ाई करे बदे। सीता मैया बगल में बैठल है, पूछलिन है शर्मा ये कौन है। शर्मा बताती है कि देवी ये मेरा पुत्र है, बताती है कि रावण के कहने से ये लड़ाई करने के लिए जा रहा है। इतना जोर बात जब सुनी न सीता जी, तो कहली न कहा सिया शक्ति से सजाई है एक लाला को, माला को, सिया शक्ति से सजाई है एक माला को, कोई न मारने पाएगा मेरे माला को। एक थे माला बनौलिन सीता जी, हम माला की कहलिन कहा के तरुण सेन के दे दहलिन, बेटा ले अपने गले में पहन ले, ये समझ ले कि जब तक ये माला तेरे गले में रहेगी तुझे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो। ऐसा आशीर्वचन कह करके आशीर्वाद दे करके माला दे देती है। तरुण सेन माला पहन लिया, घर आया, अपना अस्त्र शस्त्र उठाया, चल दिया लड़ाई करने के लिए। और जब लड़ाई करने के लिए चल दिया, उस समय का भाव है तेरी में बरकदार। अरे ललन नवाब, चल दिया लड़ाई करने के लिए, तो भाव है तेरी में क्या, के ललन नवाब कर में लेके बनवा, अब ललन नवाब कर में लेके बनवा, तो हंसते चलो समय में, हंसते चलो समय में, तरुण सेन बनवा, ललन नवाब कर में लेके बनवा। लड़ाई के मैदान में आ गया, उस समय का भाव है। सैन्य नालिया निसंग अंग में उमंग रंग, सैन्य नालिया निसंग अंग में उमंग रंग, रंग भूमि रंग में गया कुमार जंग में, खींच खींच के कमान काल सा कराल बाण, तान तान के चला दिया कुमार जंग में, शोर शोर जोर जोर की उठी है शोर शोर, राम दल में शोर कर दिया कुमार जंग में, वाह वाह रे कुमार वीरता तुहार बार, और दृष्टि बार से किया कुमार जंग में, बार पर बार बरसाने लगा राम के सामने लड़ाई के मैदान में। और जब बार पर बार बरसाने लगा, जब बरसाने लगा उस समय का भाव है। और यहाँ एक लाइन तर्जमा, हाँ फिल्म के नाम बा मुगले आजम, और तर्जमा कि जब प्यार किया तो डरना, लेकिन जब लड़ाई छिड़लो समय के भाव का कि ललना ले, अरे ललना ले धनुषिया तीर ले, लेकिन लड़ाई के मैदान में दशा कर रहा कि रामल लखन जब, रामल लखन जब मारत बनवा, एक पद पीछे हटत ललनवा,
राम और लक्ष्मण के जब बाहर चले महज एक कदम पीछे हटे तरुण सेन, लेकिन तरुण सेन के जब बाहर चले तो होए का भगवान हटते चार चरणा, चार कदम हट जाना पड़ता था राम को। भगवान हटते चार चरणा, लाल बहादुर मारे निशनवा, लाल बहादुर मारे निशनवा, लाल बहादुर मारे निशनवा। हाँ, अरे लाल बहादुर मारे निशनवा, लाल बहादुर मारे निशनवा। भैया एक पहले में यानी लड़ाई छिड़ गई बाम, एक पहले में एक छोटी मोटी घटना घट गई। जौनी समय तरुणी सेन माला पहन के लड़ाई करवे जात रहा, रास्ते में विभीषण महाराज मिल गए तरुणी सेन के पिताजी। पूछला अरे बेटा धनुष बाण लेके कहाँ जात हुआ? तरुणी सेन कहलन पिताजी जाते राम से लड़े बदे। कह रे ई का? कह हाँ, तुहरे जैसन गद्दार ना है बड़का बाबू जी, अगर तुहे डांट देहलन मार देहलन निकाल देहलन तो एक मतलब भाई का ई काम ना होला कि भाई के साथ गद्दारी करे। तो हम गद्दारी ना करब, जाते लड़ाई लड़े बदे। विभीषण महाराज पूछलन वहाँ पान के बटन लगा, कहे कि ठीक हो ये बताओ माला कैसे पहले हुआ राम से तो लड़े जात हुआ? तरुण सेन कहे बाबू जी इस सीता मैया हमें माला पहनौली है, आप कहली ना कि जब तक ये माला हमारे गले में रही राम के ही कौन कहे दुनिया में केहू हमें मार ना सकेला। विभीषण महाराज कहलन एकदम ये 5 रुपए का पुरस्कार क्षमा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर सिधारी चौक आजमगढ़ आपकी तरफ श्रास सुबह प्रणाम हो। तब यहाँ विभीषण महाराज का क्यों हो तो बहुत बड़ी गलती न करत हुआ बेटा। अरे माला पहन के लड़े बदे जात हुआ, अब मान ले झटका में कहीं माला टूट गई लड़ाई के मैदान में तो तू सहजे में न मर जीबा। बढ़िया तो ई बा कि ई माला तू हमें दे दा, हम अपने पॉकेट में रख ले, न माला टूटी आ न तू मार जेबा। तरुणी सेन कहला कि अच्छा बाबूजी जब आपका यह विचार बता ले लाम, देखे बेटवा के साथ गद्दारी कर देलन विभीषण, माला लेके पॉकेट में रख लेलन। आयक बार लड़का जाके लड़ाई कर रहा बा राम से, मगर भयल का जितना बड़े बड़े दिग्गज वीर लोग रहल, अरे सुग्रीव जामवंत ये लोगन का तो कोनो जोन बात गिनती ना रहल। जे देखे कि हर घूमर बा चुपचाप जोन बाटे अपन नखड़ा करके सुत लोग जा, ये हर बड़ी मतावे देख गए कि अरे भाई ई का एक लाइन से कुल बंदर जोन बा सुत गए जन। जाए के तरुण सेन ठोक ठोक के पैर से जगावे लगन, अब जगा जगा की कहे का यह एक लाइन गीत बा, आएगी थो खटिकऊ झूमर आजमगढ़ी खटिकऊ झूमर आ गीत के नमूना बा उहे गीतिया बा कि जब हम भइली पाँच बरिस के हो, पाँच बरिस के हो पिया मोर मांगे लन गवनवा छोटी नानी, आगे वाली लाइन हो कि जब हम भइली 12 बरिस के हो, 12 बरिस के हो पिया मोरा भइले परदेसिया छोटी नानी। परदेश चल गेलन घरे दुल्हन के छोड़ के, 12 बरिस के बाद परदेश से लौटलन तो भइल का कि 12 बरिस पे लवती जे घर वाले हो, लवती जे घर वाले हो दिहले एगो ककहिया तुई रुमाल छोटी नाना दी। इतना बढ़िया जोन बा तोहफा देहलन, एक थे ककही दुई थे रुमाल, तो दुल्हनिया कहलस की 12 बरिस पर अला एक ककही दुई थे रुमाल ई काहे बदे देहला। कहलस का कि काहे बदे देहला सैया एगो ई ककहिया हो, एगो ई ककहिया हो काहे बदे दुई थे रुमाल छोटी नाना दी। तो कहलन किए बदे दे रही ई ककही और रुमाल कि कैसी आझारन के दिहले, सुना सुना काहे खातिर देले हैं कैसी आझारन के बिहले एक
कोई का कहिया हो ए कोई का कहिया हो अगलवा पूछन के दुई रुमाल छोटी नदी अगलवा पूछन के दुई रुमाल छोटी नदी का पुरस्कार समा कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर सीधा ये सिधारी चौक आजमगढ़ आपके तरफ से रात सोमवार प्रणाम हो उपस्थित आज जनता जनार्दन को विश्वास परसो इस तरह गीत के नमूना लेकिन थोक थोक के बनरन से कहत बात तरुणी से काम अरे थोकी थोकी बंदरन के थोकी थोकी बंदरन के बबुआ जगावे हो बबुआ जगावे हो आ काहे सुतल ना खड़ा मचाए उठा उठा हो कि तोहर के खी अवली का तोहर के खी अवली का अब तोहरी मतरिया हो सुती गई लया के बाबू भी चवा समरिया हो कहे रहला तू अलसार उठा उठा है सैले से काम ना चली भयल काम लड़ाई के मैदान में कि लड़का वीर बल कमर में तरुणी से मलकेरा अबल में नवाब कर में लेके बनवा हमारे राम बिकल हो सोचे अपने मनवा शाम से लड़ता रहा राम से पीछे नहीं हटा तरुणी से भगवान राम सोच गए कि अरे लंका में बड़े बड़े वीरों को हम मार गिराए लेकिन ऐसा तो नौजवान छोकरा ऐसा साहसी वीर तो मेरे सामने कोई आया नहीं मेरा बाण हर बार ये काट दे रहा है बात क्या है तब तक से विभीषण महाराज आई न लगवा भगवान राम पूछे लगे मैं विभीषण महाराज से का पूछथुअन यहाँ भावा आ यहाँ बड़ी पुरानी गीतवा है गीतवान कोमल गीतियावान की कचौड़ी गली सुन कैला बरम कचौड़ी गली सुन कैला बरम मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बरम इ तरह गीत के नमूना लेकिन भगवान राम विभीषण से का पूछत हुवन के बीच समारी अमे लालना अब बीच समारी अमे लालना मुकाबली अद्भुत की कैले मारिया बीच समारी अमे लालना कि एको बार वतन पर पड़ता विभीषण महाराज से भगवान राम पूछे थुवन कि बतावा कितना बार मारत है ए लड़का के शरीर पर एको बार नहीं लगे बात का बात कहलन का कि एको बार वतन पर पड़ता अब कारण कौन वीर नहीं मरता तुम्हारी आने लगा तब विभीषण बतावे लहू नारी काहे नहीं मरत बा विभीषण महाराज पहली तो गद्दारी कर चुका रहा बेटवा से माला मांग चुका रहा अब दूसर की बार गद्दारी कर जा रहा बटन कहले कि महाराज ऐसन हो हम बताओ थे ऐसे ही ना मरी जवान ना बताओ थोड़ की हमार बेटवा हो बतौलन का कि बसे है रोम रोम भगवान अरे सरकार ए लड़का के एक एक रोमा में राम का वास हो गई बा तो ये बताओ जा कि रामे के राम कैसे मरिहन अगर मारे के हो लड़का के
एक बाबा इंसान के हर रंग में रोम रोम में राम का वास होला, लेकिन एक जगह ना होला। भगवान राम पूछलन कहा तब बतौलन कि जहां बताई मुँह हमें मरबा तब लड़का मारी कहे कहा मारी तब बतौलन कि बस ये है रोम रोम भगवान किसी से लगे न तल पर बारे रामा की कतमारी आने लारा अब मारा बान खींच के पायारी की कतमारी आने लारा मारा बान खींच के पायारी की कतमारी आने के पैर के तलवा में राम का वास नहीं होला। यहू लड़के के तलवा में आपका वास ना हो आप मारा तलवा में निश्चित बाकी ई वीर मारल जाई। भगवान राम जब ई भेद पौलन है कैलन है काम के प्रभुता भरी बाड़े से भगवान ऊपर दिए उड़ाई। ऐसा एक थे बाढ़ मरलन है कि तरुणी सेन जलवाय आकाश में खिल गई। आज ऊपर खिल गई नीचे आवे लगल जब ऊपर से तब भगवान राम निशाना ले ले हन नीचे से गैलन का प्रभुता भरी बारे से भगवान ऊपर दिए उड़ाई तो नीचे आवत की देरी अब मारे बाल चलाई हो चल बाबा करम लेके बनवा धरणी की रातवर मुरझाए लागल पनवा। पैर के तलवा में मरलन है तरुण सेन गिर गई धरती पर छटपटाए लगल, लेकिन जब अपने बेटवा के सामने छटपटा देखलन है विभीषण महाराज गद्दारी भले के लहलन अब बेटवा का मुंह दिल से नहीं निकल पाए। छटपटात अपने बेटवा के बर्दाश्त नहीं कर पौलन विभीषण महाराज दौड़ पड़लन जाके तरुण सेन के लाश गोद में उठा लेलन और रोए लगलन। तो यहाँ भाव बा बढ़ के नीचे आ बड़ी पुरानी गीत बा वह गीत बा दिलवैया के तर्ज की कह जला हाँ जितिया बा कि बुढ़ावा बेईमान अरे बुढ़ावा बेईमान माने करैली तो बाबूजी गोद में उठा ले रंग बेटवा के लाश विभीषण अपने बेटवा के लाश लेके रो रहा बटन हावा कि रोवे गोदिया उठाए अरे रोवे गोदिया उठाए ललन तोड़ गिरता भगवान राम जब ये दशा देखलन है पूछे लगलन का पूछलन अरे देखे रघुराई न हो अब देखे रघुराई न हो भेद पूछे भेद पूछे अरे दुश्मन के मार मोगी रवली कहे दुश्मन के मार मोगी रवली कहे तू भी लखाए कहे तू भी लखाए हम तो अपने दुश्मन के मरली तू कह रो अथवा की लाश लेके विभीषण महाराज रो रो के बताओ छुअन का बोले अरे बोले तब सुनाए अरे की नयन के तारा कहे की नयन के तारा नैले रन पीछे आए नैले रन पीछे आए सीता जी माला के नवली कहे सीता जी माला में नवली यही धोखा जना
साथ गद्दारी कैली। सीता मैया माला पहनौले रही, माला जब तक गले में रहत तब तक से जौन बहन बेटवा के केहू मार नहीं सकत। गद्दारी कह के मांग लेली माला, आज सरकार तब बोल बेटवा हमार नहीं मारल जात। लेकिन फिर गद्दारी कैली आपके भेद बतौली कि और कोनो दूसर लड़का ना हो सरकार, ये हमार इकलौता बेटा तरुण सेन हो। भगवान राम जब इधर सुनलन है कहलन है मिले सीता न मिले हमको ये अफसोस नहीं, मिले सीता न मिले हमको ये अफसोस नहीं, हमारा तुम्हारा लाल मारा गया सिर्फ दोष यही। अब मैं बाल नहीं उठाऊंगा विभीषण, लड़ाई नहीं होगी, सीता मिले या न मिले बहुत बड़ा दोष मैंने कर दिया। इसी बात को लेकर के मुझे अफसोस है कि मेरे हाथ से मेरा मित्र मेरा सखा विभीषण का बेटा तरुण सेन मारा गया। ये बात जब विभीषण कहलन है तो सुन लेना तब बतौलन है कहाँ कहलन है। अरे रो रो के बोले विभीषण हो रे, अरे रो रो के बोले विभीषण हो रे, सुनिए सरकार अरे कहे के नैसे सुनावा, कहे कहे के नैसे बिना लिहला या बता सिर्फ भाई रावण जकरे चलते आप धरातल पे पाप मिटाए बदला और तरित भिला। भगवान राम के हाथ में धनुष बाण थमा देलन। अरे सरकार बेटवा मर गई, हमसे ज्यादा चिंता आपका है के लिए हुआ, हमें कोनो विशेष गम नहीं बा, गम जब तक बा है तक बा, एक बात कोनो गम नहीं हो। तो उनके तो गम वही बात कह रहा कि बेटवा मर गई, लेकिन खुशी ये बात कह रहा कि गद्दी हमें मिली भैल का। तो जय देखाल गुरजद्दू लोकन, जय देखाल गुरजद्दू लोकन, तैयार भय जगदीशा। एक बार वे जो उनकी नाभि में अमृत बसल रहल, एक बार एक किसवा बार जो नाम नाभि में मरल भगवान, और एक तरह से रावण के अंत भई। तो लेके बहुत